अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो हम छत पे आए थे रात में, यहाँ पर शादी थी बाजू में, तो हम देखने आए थे डेकोरेशन। हमने सोचा बारात आई है, पर बाराती आई थी तो हमने बनाना है बैगन का भरता। तो ये मैंने बैगन रख दिया है, इसको हम भूंज लेंगे। फिर देखा तो बारात आ गई थी, तो बारात आई और पटाखे फूट रहे हैं, तो मैं ना जाऊँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा इन्जॉय करने आ गई, तो मैं नीचे सब कुछ छोड़ आई थी, जैसा मतलब बैगन बॉयल हो रहा, सॉरी बैगन भूंज रहा था, तो मम्मी को देखे दिखा के चली आई थी, मम्मी मैं आती हूँ अभी। फिर मैं फिर नीचे गई, तो नीचे फिर प्याज रखी हुई थी, प्याज को कट करना था, मिर्च को और टमाटर को। टमाटर का हम सूप बनाई, मतलब टमाटर को हम ग्राइंड करेंगे मिक्सर में, क्योंकि हमें टमाटर का पेस्ट बनाना है बैगन के भरते में। और ये प्याज को हम चॉप करेंगे और ये मिर्च को भी हम चॉप करेंगे, छोटी छोटी कट करेंगे। तो धनिया मैंने ले लिया था, धनिया ज़्यादा नहीं, बस नॉर्मली खुशबू के लिए मैंने धनिया लिया है। वैसे आपके ऊपर है, धनिया डालना है तो डालिए, नहीं डालना है तो नहीं डालिए, वो आपके ऊपर है। तो सब कुछ आपके ऊपर है, तो अपनी मर्ज़ी से बनाइए ना भरता, मज़े से खाइए और घर वालों को भी खिलाइए। सो मेरे इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए। फिर ये हमने अपना टमाटर को हमने पीस लिया था और बैगन में देख लिया था कहीं कीड़े तो नहीं है, बैगन को भी ग्राइंड कर लिया था। फिर हमने पैन रख दिया था, पैन के ऊपर हमने रिफाइंड ऑयल डाला था, आपके ऊपर है जो भी ऑयल आप यूज़ करें। और ये ज़ीरा, जब हमारा तेल गर्म हो गया हमने उसमें ज़ीरा डाल दिया। तो ज़ीरा हम लोगों का जब तक लिए हो रहा है, उसमें हमने लहसुन अदरक का पेस्ट भी साथ में डाल दिया, क्योंकि ज़ीरा होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, वो तो आपको भी पता है ना। तो ज़ीरा और फिर हमने उसमें नमक डाला था और ये मिर्च डाल दी थी। तो मिर्च और नमक वो अपने अकॉर्डिंग ही आप लीजिए। और ये हमने चाट मसाला डाला था, फिर इस सब को हम मिक्स कर लिया था। फिर उसके बाद हमने भरता का जो पेस्ट बनाया था वो डाल दिया था। मम्मी ने बोला था थोड़ा कम ग्राइंड करना, मैंने कुछ ज़्यादा ही ग्राइंड कर दिया था उसे। तो फिर ये सबको हम अच्छी तरह से पका लेते हैं। और ये साथ साथ करते करते ही मैं अपनी प्याज भी कट कर रही थी, तो पहले मेरा इधर हाथ चल रहा था, फिर मैं प्याज का कैप्चर नहीं कर पा रही थी। मैंने बोला पहले मैं इसको अच्छे से मतलब मिक्स कर लेती हूँ, फिर मैं प्याज दिखाती हूँ। देखिए मेरी प्याज चॉप हो गई थी और ये मिर्च भी मैंने काट लिया था और धनिया भी मैंने साथ में ही काट लिया था। सो धनिया मिर्च एंड क्या एंड प्याज सबको डाल देते हैं। चलिए ओके, ये सब हमने मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के लिए हमने इसमें डाल दिया है। सो बहुत ही ज़्यादा सौंधी सौंधी खुशबू आ रही, किस किस को बैगन का भरता पसंद है सो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियो को प्यार दीजिए, मेरे वीडियोस लॉन्ग नहीं वायरल हो रहे हैं, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। फ्रेंड्स आप लोग आ रहे हैं, व्यूज़ हैं बट लाइक एंड कमेंट वगैरह तो कुछ भी नहीं है। थोड़ा तो आप दिखाइए मेरे वीडियोस को प्यार। ये सब तो चलता ही रहता है, खाना हर किसी के घर में बनता है। तो मैं बना रही थी तो मैंने रेसिपी शेयर कर दी, और कुछ नहीं है। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कीजिए ना प्लीज़। ओके आपको मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, अगर आपको कोई चीज़ आप शिद्दत से चाहते हैं तो अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, आए अल्लाह मुझे ये चीज़ दे दे। पर जब आप अल्लाह से बोल रहे हैं कि आए अल्लाह मेरे चैनल को सपोर्ट, लोग कर रहे हैं, लोग तो सपोर्ट कर रहे हैं पर कुछ अभी हासिल नहीं हो पा रहा है, तो अल्लाह कहता है ऐ मेरे बंदे थोड़ा तू यकीन रख, सब्र कर, बेशक सब्र का फल बहुत हसीन होता है। तो जितना हम सब्र करेंगे अल्लाह ताला हमें उतना ही नवाजेंगे। ये चीज़ तो मैंने सुनी है और अब धीरे धीरे करके ही मुझे महसूस भी होता है, हाँ मुझे यकीन आ रहा है पूरा कि अल्लाह हमें बेशक सब्र के लिए बोलते हैं, तो हमें सब्र करना
सीखना आना चाहिए। जितना हमारे अंदर पेशेंस होगा, जितना हमारे अंदर गुस्से को कम करने की क्षमता होगी, उतने ही हमें सब कुछ अल्लाह देगा। बेशक अल्लाह हमें सब कुछ से नवाजेगा। सो, ये थोड़ा सा छोटू सा व्यू देख लीजिए एंड मेरी बातों को आप ज़्यादा माइंड मत कीजिए, क्योंकि मैं बातें बहुत करती हूँ। शायद मैंने सुना है यूट्यूब पे बातें ही से ही वायरल होते हैं। देखते हैं, इंशाल्लाह हम भी वायरल होंगे। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ज़रूर वायरल होंगे, अल्लाह ने चाहा तो। ओके, अल्लाह हाफिज़। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्यार दिखाइए थोड़ा सा मेरी वीडियोस में, एंड अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह से हम भी आपके लिए दुआ में याद रखते हैं और हमेशा रखेंगे इंशाल्लाह। बाय बाय।